दोस्तों क्या आपको पता है? हाँ, पता है। पहले पूरी बात तो सुन ले। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब भारतीय टीम के खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं तो उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? तो जवाब है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा उनको मिलता रहता है। और कितना मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि उनको 50,000 से ऊपर या 50,000 तक मिलता है। नंबर दो, बुल फाइटिंग यानी बैलों से पटका पटकी का खेल दुनिया में सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। इसमें होता क्या है कि सामने जो खिलाड़ी रहता है उसके सामने बैल छोड़ दिया जाता है। नहीं, कैसे छोड़ा जाता है, मतलब बैल को सबसे पहले शराब पिलाई जाती है, शराब मतलब उसको बेवड़ा बनाया जाता है, और फिर उसके बाद बैल के किसी किसी जगह पे काट दिया जाता है, मतलब हल्का हल्का कट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको खिलाड़ी के सामने छोड़ दिया जाता है और दोनों की। अरे तो इसमें जो है जान भी जाने का खतरा होता है बहुत सारे लोगों की, जिनको जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय बैल ससुरा एकदम पगला जाता है यानी पागल हो जाता है और वो जान लेने पे एकदम तुला होता है। अगर खिलाड़ी पक्का नहीं है, मतलब अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो वो उसकी जान जाना तय है। तीसरा नंबर पे है कैसियो हिस्टोरिको। ये खेल फुटबॉल और पहलवानी को मिक्स करके खेला जाता है। और इसमें होता क्या है कि जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो एक बॉल के पीछे भागते हैं और उसी के चलते उन लोगों में काफी धम्मिक दूसा। फाइट वगैरह, मतलब एकदम मार के तोड़ देने वाली फाइट होती है, और जिसकी वजह से उसमें कई लोग इतनी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं कि उनको जिनको जान गंवानी पड़ी। नंबर चार, स्काई डाइविंग। दोस्तों कहते हैं कि रोमांच के बिना जिंदगी में कोई मजा नहीं आता। एक मिनट, आई एम सेइंग रोमांच, नॉट सेइंग रोमांस, रोमांच। तो रोमांच के बिना जिंदगी का मजा एकदम बेकार है, इसीलिए हम कई जगहों पे घूमने जाते हैं और रोमांच ढूंढते हैं। फिर से रोमांच आया, रोमांस मत समझ लेना, रोमांच ढूंढते हैं, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा हमको करने को मिले, अच्छा देखने को मिले इस तरह से। और इसी में आता है स्काई डाइविंग यानी ऊंची जगह से कूदना, ऊंचाई से कूदने को मतलब स्काई डाइविंग कहते हैं। अब इतनी ऊंचाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिस ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूँ ये वाली। तो इतनी ऊंचाई से कूदते हैं और उस कूदने में कभी तो कई लोगों की जान भी चली जाती है। ये मतलब कूदने में तो अच्छा लगता है लेकिन जान जाने की जोखिम भी रहती है। नंबर पाँच, बर्फ का सामना। दोस्तों इस खेल में पहाड़, मतलब पहाड़ क्या बोलो, मतलब झरना, समझ लीजिए कि बर्फ से जमा हुआ झरना जो होता है उसी के आधार पे वो पहाड़ होता है। उस पर चढ़ाई, जैसे झरना कोई जम गया हो उस पर चढ़ाई करना होता है, और उस पर चढ़ाई करने के लिए वो स्लेटिंग का सहारा लेते हैं। ये करना तो समझ लीजिए कि बिल्कुल मौत को दावत पे बुलाने जैसा है। नंबर छः, समझ ही गए होंगे आप, यानी बॉक्सिंग। इस खेल को दोस्तों कौन नहीं जानता है, कौन नहीं देखा है, आजकल सभी को मालूम है कि इस खेल में खिलाड़ी एक दूसरे को मारते हैं और मार मार के मुंह का ठोकवा बना देते हैं, यानी मुंह को बिल्कुल पूरी तरह से फोड़ तोड़ देते हैं। और कभी कभी तो खिलाड़ी को ऐसी जगह पे चोट लग जाती है जिसकी वजह से मौत भी हो जाती है, समझ रहे हो ना। नंबर सात, केव डाइविंग। इस खेल में गुफा के अंदर जाना होता है। ये गुफा आप इस गुफा के अंदर जाना होता है, यानी कि जो पानी के अंदर गुफा होती है, पानी समुद्र में अंदर जो है गुफाएं भी बनी होती है। आप तो कभी गए नहीं होंगे, मैं भी कभी नहीं गया हूँ तो क्या मालूम पड़ेगा हम लोग को, लेकिन उसके अंदर बनी होती है, उसमें केव डाइविंग उसको कहते हैं। तो उसमें जो है उपकरण के सहारे, यानी पूरा लगा के देख लीजिए आप इधर, इस तरह से लगा के उसके अंदर जाया जाता है, मतलब कुछ नई नई चीज़ें ढूंढने, उसके अंदर से फोटोज निकालने, ये सब करने के लिए वो अंदर जाया जाता है। तो इस खेल में अगर कभी उपकरण खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि उपकरण क्या, जो आपके हाथ में मोबाइल वो भी खराब हो सकता है, कब खराब हो उसका कुछ पता नहीं, अब तो उपकरण भी वैसे खराब हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से मौत
तो मतलब होना ही होना है। नंबर 8 मोटरसाइकिल राइडिंग और रेसिंग। दोस्तों देखने वाले को तो ये मतलब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको क्या मालूम है कि जो राइडिंग करता है उसको और अच्छी लगती है। जी हाँ, उसको और अच्छी लगती है। हालांकि इसमें जान मान का खतरा तो नहीं है, लेकिन जब एक खिलाड़ी एक राइडर दूसरे राइडर के समीप अगर एकाएक थोड़ा सा टच भी हो जाता है तो उनकी जो फिसलाहट होती है आपने वीडियोस वगैरह में देखी होगी, तो वो उनको घसीट फसीट के कहाँ तक लेके जाती है, उतने में तो उनका तो निकल ही जाता होगा, मतलब जब जिस हिसाब से गिरते हैं। नंबर 9 बुल रनिंग। दोस्तों ये दरअसल में एक मेले में मतलब एक त्यौहार टाइप इसको मनाया जाता है, और यहाँ पे नहीं, दरअसल आदमी और बैल को एक साथ इसमें दौड़ाया जाता है, इसीलिए बुल रनिंग, बुल मींस बैल, बुल रनिंग इसीलिए मैं इस खेल का नाम है। तो आदमी और बैल को इसमें दौड़ाया जाता है, और इसमें होता क्या है कि बैल पीछे आदमी आगे खड़ा रहता है, थोड़ी ही दूरी पर उसके जस्ट आगे खड़ा रहता है, उसके बाद फिर बैलों को छोड़ा जाता है और आदमी तुरंत भागते हैं, फिर बैल उसके पीछे तुरंत भागना स्टार्ट कर देते हैं, और उनसे मतलब भागना होता है कोई कुछ दूरी पे जाके, कुछ रहता है वहाँ पे रुकना होता है। तो इस दौड़ में जान गंवानी पड़ सकती है, और ये खेल मनाया जाता है स्पेन में। स्पेन आपको पता ही होगा, और ये खेल इतना खतरनाक होता है कि इसमें और लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। नंबर 10 बेस जंपिंग। दोस्तों इस खेल में कई लोगों का समूह, आप इधर देख लीजिए, कई लोगों का समूह ऊपर ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से जहाज से कहीं से भी मतलब ऊंचाई से कूदता है, और कई लोगों का समूह रहता है। देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ओहो जब आदमी ऊपर से कूदता है ना, कूदते समय उसको और अच्छा लगता है, आप जो है आनंद लेते हुए कूदेंगे। इसमें तो कोई मतलब खतरा नहीं है क्योंकि पैराशूट लगा होता है, और एक दूसरे से लोग मतलब जुड़े होते हैं, अगर किसी का पैराशूट ना भी खुला तब भी जो है मतलब आराम से नीचे उतर जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी आज की, तो इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।